वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस कुकिंग पैशन। आज हम पनीर पराठा बनाएंगे। विंटर के सीजन है और पराठा ना हो तो कुछ बात ही नहीं। तो आज हम बनाएंगे पनीर की पराठे। तो आइए शुरू करते हैं, इसे कैसे करके बनाते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो पनीर पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे पनीर लिया है, 200 ग्राम पनीर। इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता को चॉप करके अच्छे से चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल देंगे, हरी मिर्च, मिर्च अपने हिसाब से डालना। और अब हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। इसके लिए हमने 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है और यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च अपने हिसाब से डालना। यहाँ पे मैंने तीखी वाली लाल मिर्च यूज़ करी है, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1/2 चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है और डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। आपके पास अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप 1/2 नींबू काट करके उसकी रस भी इसमें डाल सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आटे को गूंद लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी डाल के इसको डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदेंगे, हल्का सा सॉफ्ट, ना ज़्यादा सॉफ्ट, हल्का सा सॉफ्ट और हल्का सा टाइट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है डो। और अब हम लास्ट में थोड़ा सा हाथों में थोड़ा सा तेल डाल के इसको और थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि आटे जो है वो सेट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ज़्यादा ना सख्त हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। तो इसको हम ढक देंगे, फिर हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, अब हम डो तैयार कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा हमने आटे की डो लेकर ऐसे बाउल तैयार कर लिया है और अब हम इसके अंदर जो पनीर की स्टाफ है वो इसके अंदर भर देंगे। फिर हम दोनों हाथों की मदद से ऐसे चम्मच से प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे मुंह को। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। हाथों की मदद से थोड़ा सा रोल कर लेते हैं और ये हमारा तैयार हो चुका है। और एक हम तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा डो कर लेके हाथों की मदद से ऐसे स्ट्रेच करके भी आप इसके अंदर डो भर सकते हैं, स्टफ भर सकते हो। तो स्टफ को इसके अंदर भर के दोनों हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करके मुंह बंद कर देंगे। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको बेल लेते हैं, रोटियां बेल लेते हैं। इसके लिए चकले पे थोड़ा सा आटे को छिड़क देंगे और इसको हल्के हाथों से अच्छे से, पहले आप चाहे तो हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला सकते हो ऐसे, ताकि जो स्टफ है वो चारों ओर फैल जाए। फिर आप हल्के हाथों की मदद से ऐसे रोल करते जाएंगे। पराठा आप कितना थिक रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो इसको मैं रोल कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए, हो चुका है हमारा रोल। तो दूसरी साइड में हमने तवा को गर्म कर लिया है। तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे
फिर हम नीचे से इसको अच्छे से सेक लेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। तो इसको अब हम पलट देते हैं, देखिए नीचे से भी हल्का सा सेक चुका है। इसको हम अच्छे से घुमाते हुए सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा लो रखेंगे तो पराठा जो है वो खस्ता हो जाएगा, और हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये जल्दी पक जाएगा। तो इसके लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें आपके मनपसंद तेल हो या घी हो या बटर हो, कोई भी आप लगा सकते हो। और आप अगर डाइट पे हो तो इसे बिना तेल घी के भी बना सकते हो। तो ये हमने तेल से इसको सेका है, ये देखिए अच्छे से फूल चुका है पराठा, और पराठा जो है वो अच्छे से पक भी चुका है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं और दूसरी पराठा भी हम तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। तो उसे हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जो स्टफ है वो अच्छे से चारों ओर फैल जाए, फिर हम हल्के हाथों से इसको रोल कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक लेते हैं अच्छे से, और ये देखिए ये हमारा सारे पराठा तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन डाल दिया है, आप चाहे तो बिना मक्खन के भी खा सकते हो। और इसके संग हम थोड़ा सा दही सर्व किया है, आप चाहे तो इसके संग अचार या आपके मनपसंद कोई भी चटनी आप इसके साथ खा सकते हो। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।